सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 10 साल में जो है ना आवा आवाई किया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रधानमंत्री एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है ना यूज करता है प्रचार में, ये नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस सरकार के लिए मैं तो ये मानता हूँ दुर्भाग्य यही है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है ना वही सरकार में आगे बहुत ज़्यादा खराब होगी। इस बीजेपी सरकार में किसान मजदूर कर्मचारी जिसने भी कोई मांग के लिए गया अपने हक के लिए गया उसको लठोटे पीटा है। आम आदमी की जो बुनियादी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। जैसे शिक्षा है, हॉस्पिटल की है, रोजगार की है, वो कोई भी पूरी नहीं कर रहा, तो विकास नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो ये राजनीति है लोट की और जोट की और फूट की। यहाँ का स्थानीय विधायक है जो 3 प्लान से लगातार 15 साल से है, लेकिन आम जन के लिए सुविधाओं के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आपको लग रहा है सरकार पलट रही है? सरकार पलट रही है, यहाँ से भिवानी से कामरेड ओम प्रकाश जीत रहा है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम भिवानी विधानसभा में हैं, यहाँ पर हरियाणा की भिवानी विधानसभा। चुनाव का माहौल अब काफ़ी गर्मा रहा है। बीजेपी से घनश्याम सराफ उनके उम्मीदवार है, पिछले 3 योजना से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, और सीपीएम और कांग्रेस का यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है उसमें 1 सीट यहाँ सीपीएम को यहाँ भिवानी से ही मिली है। भिवानी से सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं वो हैं कॉमरेड ओम प्रकाश, और आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा यहाँ की उनकी उम्मीदवार है। भिवानी जो ये विधानसभा है ये लगभग आधी ग्रामीण है आधी शहरी है, तो अभी हम भिवानी शहर में हैं। आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी जहाँ पर हमने ग्रामीण हलकों में भी जाकर लोगों से बात करी थी कि उनका क्या रुझान है। आइए शहर में लोगों से बात करते हैं, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लोगों का क्या रुझान है। नमस्कार जी, आइए जी, क्या नाम हो आपका? आकाश। आकाश जी कहाँ रहते हैं? लाजपत नगर। लाजपत नगर यहाँ भिवानी शहर में। हाँ जी। क्या करते हैं? रंग पेंट का काम। पेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, आप एक मजदूरी करते हैं यहाँ पेंटिंग की, 10 साल यहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार रही है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है, क्या अनुभव रहे हैं आपके इस सरकार में? सर हमारा तो कुछ नहीं हुआ आज तक मजदूरों का, मजदूरी का अभी तक नहीं बनी हमारी आज तक। कोर्टों में हैंड लिए, अब कागज दिए, अब देखो क्या होता है। तो आपका मतलब कोई, और जो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और लेबर कार्ड वगैरह मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता हमें। अच्छा, हम तो कोई योजना जो लेबर कार्ड के तहत मिल सकती है उसका कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, हम तो अपना मजदूरी करा रखा हुआ। और कुछ मजदूरी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से या वो हिसाब 600-700 रुपए ले, उसमें क्या है भाई, इतना है कि घर का काम चल जाता है, जोड़ नहीं पाते, जोड़ नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, महीने का बस खर्चा निकल जाता है। कहाँ वोट करने की सोच रहे हैं? ये जी कांग्रेस। कांग्रेस इधर तो खैर गठबंधन है, तो कॉमरेड ओम प्रकाश है सीपीएम से, उधर सोच रहे हैं। पिछली बार कहाँ वोट किया था? पिछली बार बीजेपी को ही दिया था, उम्मीद थी कि कुछ कर पाएंगे। हाँ, उम्मीद टूट गई है। उम्मीद टूट गई। अच्छा, कांग्रेस को जा रहे हैं। अच्छा जी, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ साहब? मेरा नाम आर पी ओला है। हाँ जी, आर पी ओला। आर पी ओला साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ठीक है। तो ये बताइए रिटायर्ड कहाँ पर आप काम करते थे? मैं टीचर था, पहले आर्मी में टीचर था, फिर सिविल में टीचर था। अच्छा, आप टीचर रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो ये बताइए आप टीचर हैं, पिछले 10 सालों में अब तो आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थितियाँ आप क्या देख रहे हैं इस सरकार में? सबसे ज़्यादा इस सरकार के लिए मैं तो ये मानता हूँ दुर्भाग्य यही है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थितियाँ हैं ना वही सरकार में आगे बहुत ज़्यादा खराब होगी। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे जो है ना कि बच्चा और जो है यंग पर्सन है ना वो शिक्षा लेकर के विकास कर सकते हैं, जो है वही उनके पास है नहीं। प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस देकर के आम जो है मजदूर आदमी जो छोटा तबका है वो पढ़ा नहीं सकता जो है, तो वो थोड़े सत्र तक जाने के बाद ही बच्चों को छोड़ा देते हैं, मजदूरी में लगा देते हैं, और सत्र जो है शिक्षा का जो है ना वो बिल्कुल गिर गया है। इसी 2 साल के अंदर अंदर करीब करीब जो है हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स बंद, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं। और क्या उसका क्या कारण बताया जा रहा है? उसका कारण यही है कि सरकार की उदासीनता है जो है, टीचर जो भर्ती नहीं करते हैं, बच्चे थोड़े हो जाते हैं स्कूलों में, फिर पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, बिल्डिंग है जो पुराने समय से बनी हुई हैं वो जर्जर हो चुकी हैं,
जनरल वगैरह और जनरल सुविधाएं हैं नहीं जो है बिल्कुल भी जो है। वैसे आप पहले कहाँ वोट करते आए थे? पहले वोट कांग्रेस में करते थे। अच्छा, आप कांग्रेस के साथ ही हैं? हाँ, कांग्रेस के साथ ही वोटर आप उधर के हैं क्या इस बार का? लेकिन कर्मचारियों का आपका पहले आप जो देखते थे क्या रुझान होता था वोटिंग में? कर्मचारियों का रुझान जो है पहले से जो सरकार जो बढ़िया काम करती थी उसी के साथ था जी जो है। ऐसा कोई नहीं कि किसी आदमी को जो है पर्टिकुलर किसी विधायक से एमपी से किसी को नफरत हो। आपको पार्टी से? हाँ, बाकी पार्टी काम नहीं करती। अभी यहाँ का स्थानीय विधायक है जो 3 प्लान से लगातार 15 साल से है, लेकिन आमजन के लिए सुविधाओं के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है कोई काम नहीं हुआ है। आप इस बार आपको लग रहा है क्योंकि 3 योजना वो विधायक रह चुके हैं और एक शहरी सीट भी काफ़ी हद तक है, ऑलमोस्ट 50% से थोड़े ज़्यादा ही वोट शहरी हैं जी सर। क्या और शहरी इलाकों में ही बीजेपी का गढ़ होता है एक तरीके से, कि कुछ बदलाव होते देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, पूर्ण बदलाव होगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल पूर्ण बदलाव है जनता का। बिल्कुल हमने भी मन टटोल लिया है, जहाँ जाते हैं सामाजिक प्राणी हैं, शिक्षाविद हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत होती रहती है। इस बीजेपी सरकार से हर वर्ग जो है ना वो नाराज है जी। चलिए आगे बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार सर। क्या नाम हो सर आपका? सर मनीष। सर मनीष, मनीष क्या करते हैं आप? सर फिर फार्मर सर, जमीन है सर। जी 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 सर। शहर में ही रह रहे हैं? शहर में ही सर। अच्छा, तो अप डाउन करना होता है फिर डेली या? नहीं सर, घर पे ही सर, जमीन सर ठेके पे देता हूँ सर। ठेके पर लेते हैं? जी जी जी। अच्छा, मतलब तो आप बताइए, आप फार्मिंग करते हैं, ठेके पर जमीन लेते हैं? हैंडीकैप्ट हूँ सर मैं, और तकरीबन सर साल भर के करीब सर प्रोसेस पे बैठे थे कोर्ट के आगे, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई सर, कोई भी सुनवाई नहीं सर सरकार के अंदर। आपको जो कुछ योजनाएं होती हैं कि डिसेबिलिटी के लिए या हैंडीकैप जैसे आप कह रहे हैं उनके लिए कुछ योजनाएं चलती हैं सरकारों की, उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है? थोड़ा बहुत मिलता सर, कंप्लीट नहीं मिल पा रहा सर, ये कंप्लीट बेनिफिट नहीं दिया सर गवर्नमेंट ने सर। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिसके तहत आपको नहीं मिल रहा अभी भी कुछ? तो देखो सर, इस बारे में तो सर नहीं बता पाऊंगा सर, मैं इस बारे में तो नहीं बता पाऊंगा सर। लेकिन क्या मांगे रही थी आपकी, मतलब इसके लिए मांगे यही रही थी कि सर समान अधिकार मिले सर हमें बराबर का सर, ये नहीं हुआ सर, ये भी बात। ये आप पहले कहाँ वोट करते थे? कांग्रेस को सर। कांग्रेस को? आप कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ सर। ठीक है, तो आपको लग रहा है लेकिन इस बार कुछ बदलाव होगा यहाँ पर? बिल्कुल 100% बदलाव है सर, 100% सर। ये कॉमरेड साहब हैं सर, अब की बार 15 साल क्योंकि सर ये रह चुका है। एक छोटी सी बात बोलूँगा सर कि हमारा जो फिलहाल जो MLA है उसके ऊपर एक ही गाना फिट बैठता है कि सर हर फिक्र को धुएं में उड़ा उड़ाता चला गया। अच्छा, और ये रियलिटी है सर, ये किया सर उन्होंने, कुछ भी नहीं कहा, क्या कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं सड़क टूटी है, कहीं क्या कुछ करना, कहीं आना कहीं जाना नहीं सर उसने, कहीं कुछ नहीं सर ये। जी आप बात करेंगे, क्या हुआ जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। सुंदर जी, क्या आप भी रिटायर्ड हैं? हाँ मैं रिटायर हूँ जी। कहाँ से? मैं जिला खेल अधिकारी से रिटायर हूँ जी। अच्छा, जिला खेल अधिकारी से। अच्छा, कोच के नाम से जानते हैं, अधिकारी तो नहीं, हम तो मजदूर हो गए अब तो। ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमने मेरे बेटे ने बिजनेस शुरू किया था, यहाँ पशुपालक का डेयरी बनाई थी और ये सभी लोग इसी कॉलोनी में बनाई थी। पहले तो मोदी जी की ने वो नोटबंदी कर दी, हमें जो है कि सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ गया, कि पैसा जैसे दूध का पैसा तो डेयरी करता था मार्केट में तो रोजाना चाहिए, लेकिन पशुपालक है उसके पास क्या होता था, उसको पशुपालक को ही सरकार, किसान को दिया होगा, मजदूर को दिया होगा, पशुपालक को ही सरकार ने कोई भी चीज़ दी हो तो बताए। इस कॉलोनी के अंदर पानी ला के दियो भाई, एक बार पानी, हमें जो है पिछले 10 साल से वो पानी मिल रहा है, सब के स्कैबीज है, यानी कि खुजली हो रही है सारा दिन, जिस तरह कुत्ता नूरगढ़ है, नूरगढ़ते इतना गंदा पानी है इस कॉलोनी का, पी की दिखा दे। तो सीवरेज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, पीने के पर ड्रिंकिंग वाटर जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जो है ये पानी है, आप इसको एक बार आप चेक करके देख ले, ये तो जो है कि वो पानी है कि जो इसको जो है कि सीधा जो यहाँ से आता, ये तो मटके का हो सकता है, इश्तिहार होगा लियो, जो सप्लाई आओ है उसको आप मुँह में भी नहीं डाल सकते। हमने प्रदर्शन किए, शिवर की व्यवस्था है हमारे यहाँ, वीकर सेक्शन रहते हैं, कितनी कंप्लेंट लिखा, ऑनलाइन कंप्लेंट 10-10 दिन 11-11 दिन तक और शिवर जो और फ्लो रहते हैं, और क्या बोले जी, यहाँ का जो विधायक है मान्यवर, वो इसका ऐसा विधायक है जिसको इसी सरकार ने
मंत्री बना रहे, मंत्री बुलाए कह दिया भाई तू वापिस आ जाओ, क्यों गया हमें नहीं पता, उसकी काबिलियत यह है। यहाँ पर जो है कि हॉस्पिटल के अंदर चौधरी बंसीलाल ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना था उस जमाने में, उस हॉस्पिटल के अंदर स्किन का डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें धरने और प्रदर्शन है, रिकॉर्ड देख लीजिए आप, जो है पूरे फैसिलिटीज नहीं है। ये तो जो है कि प्राइवेट सेक्टर को ले जा रहे, मेरे बरगा मैं गिर गया था, मेरा जो है पसली टूट गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज रहा तो उन्होंने सारी चीज़ लेकर के सारा मारा झाड़ा लेकर के छुट्टी कर दी, क्यों नहीं भाई अब तो। लेकिन आयुष्मान के बड़े गुणगान करते हैं, क्या क्या आयुष्मान नहीं, 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 क्या आयुष्मान आप बताओ तो क्या। खुद एडमिट हुआ था सर, मैंने आयुष्मान कार्ड दिया डॉक्टर के पास, उन्होंने मना कर दिया, क्लियर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ सर। सुनिए जी, आयुष्मान क्या है, हम ये कहते हैं कि चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबको जो सरकारी हॉस्पिटल मिला आयुष्मान की काशा। आप ये कह रहे कि मतलब शिक्षा से भी और स्वास्थ्य से भी सरकार हाथ खींच रही है और कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट की तरफ ही दे रही है। आप जो है कि मुझे बुद्धिजीव लिखते हो और आप हमारे से तो सवाल पूछना कि सरकार से क्यों नहीं पूछते आप, उनसे यहाँ के जो है घनश्याम शराब के पास आए पूछे उनसे सवाल, सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, सरकारी हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, हमारा यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री क्या गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है क्या, सब प्राइवेट ही जाते हैं उसको इसका हमारे को तो कहता आप जाओ, हम प्राइवेट में क्यों जाए, इतना पैसा उनको दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाओ आप ये पैसा, हमारा विरोध है और शालीनता और सभ्यता से वोट की मार देंगे इस सरकार को। नवीन जी क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं आप जी, बताइए आप यहाँ खड़े हुए हैं काफ़ी देर से हमारी बातचीत सुन रहे हैं। बातचीत सुन रहा हूँ, कोच साहब की बातचीत सुन रहा हूँ, जो भी बात कोच साहब ने बताई है वो सारी सच्चाई है। पूरे शहर के रोड टूटे पड़े हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कोई शिक्षा नहीं। जिले में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, और आप और शहर में कहीं भी जाएंगे आपको रोड देखेंगे आप जाके, आप सेक्टर के रोड भी टूटे पड़े हैं, आप कहीं भी गाड़ी लेके कंटिन्यू चल नहीं सकते हो। आपको शहर से निकलने के लिए कोई बाईपास नहीं बना हमारे यहाँ पे, इतने साल हो गए हैं, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है, आम लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि उसका कहीं भी कोई जो हमारे लोकल विधायक हों तो कभी आके देखते ही नहीं है। आपने कभी बीजेपी को वोट किया था? बीजेपी को भी किया है, जब अच्छा लगा तो बीजेपी को वोट किया, लेकिन अब कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस के सपोर्टर लगा के चलिएगी, क्योंकि काम तो हो नहीं रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप वकील हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो बेहतर समझते हैं जी। इनकी हमेशा चाहे यूपी हो या हरियाणा, उनके एक दावा होता है कि हम हर जगह आके कानून व्यवस्था सुधार देते हैं। कोई कानून व्यवस्था नहीं सुधरी है जी, आप देखेंगे हरियाणा में जितने रोज़ आए दिन कोई ना कोई लूट डकैती हो रही है। अभी आपने हिसार में देखे होंगे कि एक ही शोरूम पर 2-3 बार गोलियाँ चली हैं, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है। शहर में से बच्चे उठ रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही कहाँ पे, कुछ भी नहीं। आपके हिसाब से स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। आपने बीजेपी को भी वोट किया है पहले? कभी किया है पहले, लेकिन अब नहीं। अब तो आप स्थिति देखेंगे, अगर 100 आदमियों में से पूछेंगे तो 90 आदमी उनके खिलाफ बोलने वाले मिलेंगे आपको। बदलने भी किया था 2014 में किया, 19 में किया, सोची कुछ अच्छा करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब लोग खुद परेशान हो गए हैं, खुद ही उनके खिलाफ हो गए हैं। ऑनेस्टली बताइए, आप तो नाराज़ लग ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी को किया था, इस बार कांग्रेस को करूंगा, या तो खैर वो कॉमरेड हैं सीपीएम से ओम प्रकाश, लेकिन आप ये वोट करेंगे जी? बिल्कुल कॉमरेड जी को करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। लेकिन वकीलों के बीच में आप बार काउंसिल जाते होंगे, लोगों से बात होती है, क्या रुझान है? वकीलों में तो रुझान है ही, उनके अलावा जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनमें भी बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। हर जगह एक ही बात हो रही है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा जो मुद्दा है हरियाणा में, तो बहुत ज़्यादा कोई काम तो हो ही नहीं रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं हुए हैं। आप खुद आप मेरी बात भी ना माने, आप रोड पूरे शहर में घूम के आएँ, आप रोड देख लें, मार्केट देख लें, ये लाइट अभी इलेक्शन की वजह से अभी 2-3 दिन पहले लगनी शुरू हुई है। अच्छा। यहाँ तो अभी भी नहीं लगी हैं। अच्छा। अभी इस लास्ट वीक जो लगा है वो अभी लगी हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि इलेक्शन में। फरीदाबाद में बहुत बड़ा घपला हुआ है, वहाँ 500 करोड़ का हुआ है, भिवानी में 400 करोड़ का घपला हुआ है, किसी की FIR हुई वो सारे आज बेल पे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई चली हो, लंबी कार्रवाई चली हो, लोगों को कुछ लगा हो। वो पैसा किसका था? लोगों का पैसा था जो सारा का सारा पैसा खा गए। करप्शन भी बहुत, करप्शन बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। जो PID हैं, जो PID हम बनवा रहे हैं उसके लिए इतना बड़ा करप्शन है कि एक जो फ्री का काम है उसके लिए 2000 से लेकर 10000 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई भर्तियां हो रही हैं बिना घूस दिए, पहले तो बहुत घूस कोई आए, वही वो लोग तो बोल रहे हैं। आप बाकी दिखाओ, अभी जो रिसेंटली जो भर्ती हुई हैं
किसको ज्वाइन करवाया, किसी को ज्वाइन नहीं करवाया। अच्छा। सिर्फ वो एक ड्रामा था कि इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन में इनको पर्चियां निकलवा दे 6 महीने पहले, बाद में लगे ना लगे। अच्छा, तो अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई? ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी, उनकी बच्चे बैठे हैं घर पे। आपका नाम जी? अशोक कुमार वाल्मीकि। अशोक जी, क्या करते हैं आप? कहते हैं क्या जी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बहुत 36 बिरादरी तंग है इससे, बीजेपी से। गरीब आदमी होए, किसान होए, मजदूर होए, सब कुछ सब परेशान है इससे। आप तो करते क्या? मैं तो सर, मैं आम बस ये मजदूरी करता हूं। मजदूरी करते हैं सर। 10 साल मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं आपके हिसाब से? 10 साल मजदूरों के जमानों में इतना परेशान कर दिया मजदूर। आपके आसपास और लोग भी मजदूरी करते होंगे, कैसे करते हैं? तो उन लोगों का क्या रुझान है, कि वो भी बीजेपी के साथ हैं? कांग्रेस के साथ है। अच्छा जी। जी सर। तो आपको लग रहा है सरकार पलट रही है? सरकार पलट रही है, यहाँ से भिवानी से कामरेड ओम प्रकाश जीत रहा है। आपको अच्छा लगता है कामरेड ओम प्रकाश? बिल्कुल अच्छा लगता है, गरीब आदमी है कि बहुत मेहनत करता है, मजदूर यूनियन की कॉपी बनवाता है, उसे बहुत अच्छी मान लिया। एक बारी फोन कर देता है तो उसी टाइम पहुँच जाता है गरीब आदमी के पास। आप बताइए साहब, आप बैठिए। हाँ, इधर आ जाइए, कर लेते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आप रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड जी। कहाँ थे आप? फौजी थे? हाँ जी। तो विजेंद्र जी, ये बताइए, आप फौजी रहे हैं, अब नई स्कीम आई है जिस पर अभी ये साथ भी बात कर रहे थे, अग्निवीर पर, आपका क्या कहना है? अग्निवीर भैया जी, ये भट्टा गोल कर दिया हरियाणा का, ऑल इंडिया का, क्योंकि अग्निवीर सरकार लेके आई है, इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जवान 4 साल के लिए नौकरी करके आएंगे, हमारे भाई उनके रजिस्टर नहीं हो रहे, पहली बात रजिस्टर नहीं हो, जब उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा वो गुरुवार पना करेगा। आप फौज में रहे, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या 4 साल अपने आप में काफ़ी होते हैं एक फौजी की ट्रेनिंग के लिए, एक सिपाही की ट्रेनिंग के लिए एक, और उसके बाद, या आपको लगता है कि 4 सालों में वो पूरी तरह से मंझ भी नहीं पाते हैं? मतलब क्यों नहीं मंझ पाते हैं सर? पहले 9वीं नहीं ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद वो सही हथियार चाल रंग पूरा दीख जाता था, तो जी 4 साल में तो उसकी ट्रेनिंग ही पूरी होगी, क्या कर पाएगा? घर से दूर रहेगा, और उसको बोलते भाई हरियाणा के अंदर हम 5% देंगे, 10 अभी वायदे हैं चुनाव, कोई किसी को नहीं देगा। और ये राजनीति है जी, लूट की और झूठ की और फूट की। हम ये सोचते हैं, पहले कहाँ वोट करते थे आप? पहले जी मैं देता रहा इंदोलो पार्टी को, इंदोलो को देते, हाँ जी, फिर मैंने दिया बीजेपी को, बीजेपी को इसलिए दिया भाई कि मैं बदलाव होगा, नई नौकरियां निकलेंगी, पब्लिक का सुधार होगा, हमारे गरीब मजदूर को सबको का नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इन्होंने भाईचारा खत्म करने का काम किया है, 35 का नारा देखी, अभी हम बैठे हैं सभी भाई हम एक हैं, लेकिन सरकार फूट डालती है अलग अलग किस्म की। तो आपको कह रहे कि जाति धर्म के नाम पर वोट डालती है, उस टाइम बिल्कुल खिलाफ है। तो इस बार आप मतलब ना इनेलो ना बीजेपी, इस बार आप कहाँ कांग्रेस को? कामरेड को देंगे। कामरेड को सोच रहे हैं? ईमानदार आदमी है, हर एक आदमी का साथ देने वाला है, मजदूर हो किसान हो, किसी प्रकार को हर एक का साथ देता है। ठीक है, आगे मिलते हैं जी हर एक जगह, और लोगों से भी बात करते हैं। आप साथी, आप तो यहाँ बसपा का ये लगा कर आए हैं, क्या नाम हुआ जी आपका? श्री भगवान दही है मेरा नाम है, पूर्व जिला अध्यक्ष भिवानी, बसपा में काम करता हूँ। आप बसपा में हैं? बिल्कुल। तो ये बताइए, इनेलो बसपा का इस बार गठबंधन है, हाँ जी हाँ जी, क्या आपको उम्मीद है इस बार कुछ बात बनेगी? ऐसा जी बिल्कुल बात बनेगी, हम 10 और 15 सीट जीतने वाले हैं, और आने वाला जो समय है वो किसी एक की सरकार नहीं बनेगी, मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनेगी। भिवानी में क्या लग रहा है? भिवानी में ऐसा है अभी कोई क्लियर नहीं है, सभी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करे हुए हैं, लेकिन अभी कोई क्लियर पोजीशन नहीं है। बहुत सारा, लेकिन बसपा का वोटर तो छिटका है, पिछले चुनाव में तो हमने देखा कि बसपा उत्तर प्रदेश जो गढ़ था बहुजन समाज पार्टी का, उसका भी बहुत सारा वोटर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गया, ये बात थी कि भाई संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, और बसपा में वो ताकत दिखी नहीं बहुतों को जो बसपा का वोट है। ऐसा जी आप लोगों को दिख रहा है कि बसपा का वोट छिटक रहे हैं, अब 27 दल एक और साइड में थे, 38 दल एक साइड में थे, उसके बाद भी हमारे को वोट करोड़ों की संख्या हमारे हैं पूरी इंडिया में, तो छिटक कहाँ गया? हमारा वोट तो डला है पार्टी को। नहीं, प्रतिशत तो कम हुआ ही, प्रतिशत तो वोट होता है भाई, 37 दल और 27 दल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे तो वोट परसेंट तो घटेगा, लेकिन ये तो नहीं किया कि हमारा कोई वोट बैंक है ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, भिवानी सीट में आपको लग रहा है आप लोग की चांस है? कोई चांस नहीं है, हम सच्चाई कह रहे हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है। तो यहाँ पर लेकिन हम अभी चुनाव किसी के पक्ष में नहीं है,
अभी हो सकता है हम फाइट में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव तो दो चार दिन की है, अंदर ही इधर उधर होता है। आज तो कोई भी फाइट में नहीं है, आज तो कोई भी क्लियर नहीं है। कहने से क्या था, वो सारे अपने अपने कैंडिडेट को जिता रहे हैं। सही बात, सही बात। चलिए धन्यवाद। कम से कम बहुत ईमानदारी से पहली बार मैंने किसी पार्टी के व्यक्ति को देखा है जो कह रहा है हमारा कैंडिडेट अभी फाइट में नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आ सकते हैं, ये तो चुनाव है। जी बोलिए फौजी साहब। इस बीजेपी सरकार में किसान मजदूर कर्मचारी जिसने भी कोई मांग के लिए गया, अपने हक के लिए गया, उसको लठोटे पीटे है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम विकास है सर। विकास क्या करते हैं आप? सर बैंक में जॉब। बैठे रहो, कोई नहीं, आराम से। कोई नहीं, कोई नहीं। कुर्सी बैंक की लड़ाई है सर। मैं बैंक में जॉब करता हूँ सर। बैंक में जॉब, प्राइवेट या कर? प्राइवेट करता हूँ सर। ठीक, जॉब मिली नहीं इसलिए अपने गुजारा करने लेकर प्राइवेट करनी पड़ती है। मेन मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, भिवानी का नाम खेल से ऊपर उठा है काफी हद तक। यहाँ पर स्टेडियम की हालत देखे बहुत खराब है। बुजुर्गों के घूमने के लिए पार्क बना तो रखा है, पार्क में कहीं पर हरी घास नहीं है। बुजुर्ग सुबह घूम के आए, थोड़ा फ्रेश फील करें, कोई सुविधा नहीं है। पानी की कॉलोनी में देख रहे हो आप, पानी भी बिल्कुल खराब पानी आता है। नहर के पानी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और भी देखोगे शहर के अंदर, देखिए आप सेक्टर का मेन रोड है, ये मेन रोड में इतने खड्डे हो रखे हैं, यहाँ पानी भर जाता है। एसपी का ऑफिस है, एसपी की कोठी के सामने पानी भर जाता है, बिल्कुल पूरा बाजार में पानी के दफ्तर के सामने कोठी के सामने पानी भर जाता है यहाँ पे। बताओ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी यहाँ पर ये हाल है उनकी कोठी का, तो फिर हाँ बाकी हाँ बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है जी। एक यूनिवर्सिटी बनी थी, यूनिवर्सिटी में अभी तक सुचारू रूप से ना तो कोई पूरे कोर्सेज आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये आपकी नाराजगी तो दिख रही मुझे। पहले कहाँ वोट करते थे आप? पहले दो योजना बीजेपी में वोट किया लगातार, दो बार लगातार किया। अच्छा, कट्टर सरकार पर फिर भी भरोसा था आपका कि कुछ कर लेंगे। अब तो कोई मन है नहीं बीजेपी को वोट करने का, अब कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस या कामरेड ओम प्रकाश? ओम प्रकाश है यहाँ से, उन्हीं को वोट करेंगे। ईमानदार आदमी है, हर इन में जो भी धरना प्रदर्शन होता है इनमें पूरा समर्थन करते हैं। मजदूरों का हो, चाहे आशा वर्क करो, आंगनबाड़ी वर्क करो, सबका पूरी हेल्पफुल है, आदमी है और ईमानदार आदमी है। ठीक, एक ये साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, बड़ी सब्र से बैठे हुए हैं। इनकी शायद यहाँ पर इनकी हेयर कटिंग की दुकान है, हेयर ड्रेसर की दुकान है, मधु हेयर ड्रेसर। आइए जी, आपका नाम मधु है, कौन है मधु? गुड़िया है आपकी, कितनी बड़ी हो गई? वो 23 साल की। 23 साल की हो गई, क्या कर रही? बीएमएस कर रही। बीएमएस कर रही, चलिए बहुत खूब। आपकी ये दुकान है? हाँ जी। कैसा आपके लिए, आपके काम के लिए कैसा रहा 10 साल? टाइम पास करा जी, और क्या करे जी। मतलब कोई फायदा हुआ है पिछले 10 सालों में? सरकार के फायदा था जी, कमा के खड़ा जी, और क्या होता जी। ये बताओ, जैसे नोटबंदी हुई है, ये सारी चीजों से आपको कितनी नुकसान तो आया जी? बहुत नुकसान हुआ, मजदूर तबका नुकसान है, और अमीर गरीब। दुकान अपनी है, किराए पर? किराए पर है। किराया जो आप दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या कुछ आमदन बढ़ी है? ठीक सर, ठीक सर, वो आप मैनेज कर पा। लेकिन तो फिर क्या, 100 मर जाओ से 1000 मर जाओ, टेंशन को टेंशन। सही बात, टेंशन तो रहे। महंगाई से कितनी दिक्कत हुई है? महंगाई सिलेंडर कांग्रेस राज में 400 का 200-250 का मिला करता, अब 1000 रुपया मिलता। कितना फर्क है जी। क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव देखो जी, ये सब आपके घर पर रहेंगे जी। मारद रुकण आओ गाड़ बोरी गिरण जी, मारद रुकण बोरी गिरणा जी, वो आप आपके घर बढ़ेंगे। ये बात है, कभी मन नहीं बनाया ना। लेकिन पिछली बार वो जहाँ वोट किया था वो भी कर सकते हैं या उसमें बदलाव ही सोच? बदलाव भी उसके, बदलाव भी हो सकता है। अच्छा, अभी कुछ पक्का नहीं है? नहीं पक्का नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, लोग जो अपने कैंडिडेट्स को लटका के रखते हैं आखिरी दिन तक। आइए आपसे भी बात करते हैं साहब। बताओ नाम तो बताओ। प्रदीप नाम है जी। प्रदीप क्या करते हो? फोटोग्राफर हो जी। फोटोग्राफर, अपनी क्या स्टूडियो है? हाँ जी स्टूडियो है। हाँ जी। कब से चला रहे हो? 27 साल हो गए जी। 27 साल, अरे वाह। चलिए, फोटोग्राफर से मिलके बहुत अच्छा लगता है, हम भी इसी काम में हैं। तो ये बताइए, अब आपने तो मतलब उस फिल्म से डिजिटल का पूरा ट्रांजिशन देखा है, बड़ा एक नया किस्म का, एक पूरी टेक्नोलॉजी आ गई, दुनिया ही बदल गई थी यहाँ। तो ये बताइए, अभी आपके लिए, आपकी बिजनेस के लिए कैसे रहे हैं ये 10 साल सरकार के? जो वहाँ मंदे हो रहे जी। मंदे हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल।
दिक्कत कहाँ से, जीएसटी वगैरह से हो रही है? ये वो सब कंपल आते हैं, वही बात है, मोबाइल वजह से, इसकी वजह से काम धंधे से मसारे पिटे पड़े हैं। और कुछ पे सरकार के भी सिस्टम हो रहे हैं, महंगाई की भी दिक्कत हो रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे डिजिटल आया और आप कह रहे हैं फोन पर भी लोग अब लेने लग गए, तो आपकी बिजनेस को तो बहुत इफेक्ट, बहुत घना फर्क पड़ गया जी। तो आप कुछ चेंज करने की सोच रहे हैं या अभी? ना जी ना, नहीं, इसी में ही कंटिन्यू में काम चल रहा अपना। वैसे वोट पिछली बार कहाँ किए थे? कांग्रेस ने जी, कांग्रेस। इस बार कहाँ? इस बार भी कांग्रेस ने। कुछ नहीं बदल रहे ना, कुछ नहीं बदल रहे, ना जॉब बदल रहे हैं, ना धंधा बदल रहे हैं, ना वोट बदल रहे हैं, बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नफे सिंह है जी। नफे जी, क्या करें आप? मैं तो रिटायर हूँ जी आर्मी से। आप आर्मी से रिटायर हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, आप आर्मी से रिटायर हैं, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कई लोगों ने उठाया, आप खुद आर्मी में रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी। एक अग्निवीर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना? ये बहुत गलत जो है ना काम किया है मोदी साहब ने जो है ना, ये अच्छी योजना नहीं है, देश के फौज के साथ जो है ना अन्याय किया है, हमारे देश की गर्दन को झुका दिया। एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी है, तो नु बताओ टेम्परेरी देश की सुरक्षा कैसे करेगा? और बेरोजगारी जो है ना हरियाणा नंबर वन है, क्राइम नंबर वन है। ये बताओ 4 साल की जो है ना नौकरी कर दी, ये जो है ना आजीवन बैठे हैं कुर्सी पर, इनका भी 4 साल होना चाहिए, इनकी भी पेंशन नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की पेंशन काट ली, ये अपनी पेंशन लेते हैं, 5 बार जीत जाए तो 5 बार पेंशन लेते हैं, 1 बार भी नौकरी नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही महंगा, ये कमर तोड़ दी। 10 साल में जो है ना आवा आवाई किया है, और सबसे बड़ी बात तो ये है प्रधानमंत्री एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है ना यूज करता है प्रचार में, ये नहीं करना चाहिए। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यूज किया? हाँ जी। अच्छा, नहीं करना चाहिए आर्मी का, भाई एयरफोर्स का? ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये इलेक्शन में यूज नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो। और पहले तो अदानी के भी प्राइवेट प्लेन में घूम रहे थे, अब बताओ किसी बड़े पूंजीपति के प्राइवेट प्लेन में क्यों हमारा प्रधानमंत्री घूमे? अब आप बता रहे हैं एयरफोर्स का भी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, यूज कर रहे हैं जी। आम जनता को तो पता ही नहीं है, आम जनता तो जानती नहीं, उसको उलझा रखा है भाई। ये फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, किसी का 10 लाख चढ़ा दिए, किसी का 5 चढ़ा दिए, वो चक्करे काटता रहे है। और सबसे ज्यादा जो है ना किसान दुखी है, कितने दिन से रोड पर बैठा है, कोई सुनवाई नहीं, विदेशों में जाता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, एक किसान के जो है ना पास नहीं जाते। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसकी कोई सुनवाई नहीं। जब कोरोना आया था, जब जो है ना किसान ने बचाया था, हमारी देश की जो है ना आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसने पूर्ति की थी। तो अब ये बताओ आप, बदलाव होना चाहिए जी। बहुत नाराज तो लग रहे हैं, आप भी करें। अच्छा, पहले आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। किसको वोट देने की सोच रहे हैं फिर? बदलाव हो जी, परिवर्तन हो, परमानेंट किसी का नहीं होना चाहिए, अहंकार हो जाता है। सही बात। एक लोकतंत्र में जो हो गया तो वो आने वाला जो है ना वो सोच समझ के काम करेगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को बदल देगी जनता। सही बात। जनता के मुद्दे पर जो है ना हमेशा काम करना चाहिए, जनता को बेवकूफ बना रखा, उलझा रखा है। 5 सदस्य है, 5ों को उलझा दिया। ये बताओ, ये कंपनी वाले जो है ना फोनों के रिचार्ज भी बढ़ा दिए। चलिए आप ये बताइए, अभी जो सारी दिक्कतें हो रही हैं, आप कह रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए, पहले आप कहाँ वोट करते थे? देखो जी, पहले जो है ना मोदी साहब को दिया था, कभी देश का भला करेंगे, ये झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो है ना हमने नहीं देखा जो एक दूसरे पर टिप्पणी करे। प्रधानमंत्री का ये कार्य नहीं है कि भी एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो खराब है, ये खराब है, ये देश का गौरव जो है ना प्रधानमंत्री है। विदेशों में जाके भी ये बोलता है मैंने कहाँ जन्म ले लिया, कहते हैं मैं तो प्राकृतिक तरीके से पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो ये वहाँ जाके भी झूठ बोलते हैं। ये मैंने बताओ, ये भाई कहते हैं हम राम को लेके आए, राम पहले नहीं आया था कि यो पहले रामचंद्र जी जो है ना सतयुग में आए थे, ये नुका हम लेके आए। हाँ,
मतलब धर्म धर्म के नाम पर राजनीति, तो की राजनीति है, जाति पाति पर राजनीति है। हाँ जी, जो है काबिल प्रधानमंत्री ये कहते हैं मैं 70 आधी जनता को जो है कि अनाज देता हूँ, और फिर ये कह रहा है अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं बननी जा रही है, रात दे लोग तो जिंदा रहने खातर जो है उसको जो है क्या आप फ्री में अनाज दे रहे हो जिंदा रखने के लिए, और ये 5वीं अर्थव्यवस्था फिर चुकर बन गई, ये बात है कुकर समझ में और किसका समझ में आओ ये बताया जाए जी। है रोज हवाई जहाज में मणिपुर में क्यों रहा कोई बात कौन करता, रोज उड़ा है नू के यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया मणिपुर का, आड़े मणिपुर का युद्ध को रुक दम यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, ये पता नहीं क्या करे, ये देश का दुर्भाग्य है। मोदी प्रधानमंत्री आडवाणी जितने भी प्रधानमंत्री होते होते ने 5-7 लेख लिखा कर दे, लाइन लिखा कर दे, मोदी जी ने कोई भी लेख लिखा होता आज तक बता दो, कोई भी लेख लिखा हो तो बता दे। ये मोदी जी क्या कहते हैं मन पढ़ था मन था कहीं को नहीं, फिर नु कह मैं तो पीए मैं तो एमए करा कहाँ से करा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी इसने ये करा चाय बेची, हमें तो कह को नहीं, ये भी ये करा है वो स्टेशन पर कौन सा चाय बेची, बेरानी चाय बेची है कि के बेचा है कि इंसान बेचा, हमें तो बेरा जी खुद ये करा है कि मैं गरीब हूँ, कभी करा दलित हूँ कभी करा, अगर मोदी दलित है मोदी बैकवर्ड है ललित मोदी हमें ने बना देना सारे ने। विकास करता है बार बार विकास की वो देते हैं ना कि विकास की हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना आम आदमी के जो बुनियादी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, जैसे शिक्षा है हॉस्पिटल की है रोजगार की है वो कोई भी पूरी नहीं कर रहा, तो विकास नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं जो, और जनता का यही कारण है जो है उस नाराजगी का कि धरातल पर वो चीज़ें बिल्कुल भी लागू नहीं हो। से भी बात करते हैं जी, नमस्कार साहब, क्या नाम है? प्रदीप नाम। प्रदीप जी क्या करते हैं? मैं बस अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। तो ये बताइए आपके जो मतलब ये आप पार्ट्स बनाते हैं बेचते हैं? बेचते हैं जी। बेचते हैं। हाँ। तो ये बताइए आपका एक छोटी बिजनेस है, आपके लिए कैसे रहे हैं 10 साल? बढ़िया रहे हैं। बढ़िया रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया लगा है? सब कुछ बढ़िया है, आने जाने में कहीं परेशानी होती है, रोड बढ़िया बने हुए है, फर्स्ट क्लास बने हुए है, सरकारी भवन में जाते जाते ही तुरंत काम हो जाता है, पहले राशन कार्ड के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, अमीर आदमियों के राशन कार्ड पीड़े बने हुए थे पहले, गरीबों के नहीं बने हुए थे, आज का टाइम जिसको मतलब गरीब है ना उसी का बना हुआ है, जो गरीब है एक्चुअली उसी का बना हुआ है, बाकी सब कट गए हैं। यहाँ लोगों की राय काफ़ी अलग थी, आपसे तो अलग राय मिली, चले अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक काम सुधर गए हैं? बहुत सुधरे हैं जी, सुधरे हैं। हाँ, ठीक है, सुधरे हैं जी। आड़ा खारा पानी आ रहा है, 5 साल तक पूछ ले भाई ये पिंदा थी सुधरे पहला तो इसे तो पूछ ले कितना रहा है। देखो जी, अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती इस बारे में, इस बारे में हमने भी आगे कदम उठाना पड़ा है। नहीं नहीं, उठाना तो पड़ेगा, कदम उठाना पड़ा है। एक लिए मोदी सब कुछ कर नहीं सकता। नहीं, 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 पानी का सप्लाई तो लेकिन सरकारी का ही काम है ना। हाँ, काम तो सरकारी का, लेकिन हम इकट्ठे होंगे जब तो जाएंगे, जब तो उठाएगा ना, लोग इकट्ठे हुए को नहीं अच्छी बात के लिए। अच्छा, एक चीज बताओ, 13 महीने के लिए तो किसान इकट्ठे हुए थे, 13 महीने तो सड़क पर बैठा दिया उनको, लेकिन क्या जी 13 महीने जब आप कह रहे लोग इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन 13 महीने तो इकट्ठे हुए। लेकिन जो जायज बात है वो तो मानी जाएगी, मानी गई है तो जायज बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 13 महीने अगर लग रहे वहाँ पर, या ये कह रहे हैं कि हैंडीकैप लोगों के जो सवाल हैं उसको लेकर 8 महीने बात कह रहे हैं ना, जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना है, ये मैं चैलेंज करके कहता हूँ सर, करोड़पति आदमी का मैं पीला कार्ड में दिखाता हूँ सर आपको, ये कह रहे हैं जिनका बनना चाहिए बना इनको ये मैं दिखाता हूं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इनके इनके अभी अपने अनुभव है, इनके भी अपने अनुभव है। एक आमदनी उसमें 1,80,000 से कम थी तो मेरा पीला कार्ड बन गया था एक बार, तो उसने बैंक डिटेल वगैरह चेक किए तो 2.5 लाख से ऊपर मिली, तो उन्होंने काट दिया मेरा। तो आपका काट दिया राशन? हाँ, काट दिया गया, क्योंकि मैं उस वक्त में नहीं हूँ। सुनियो, दुश्मनी है हमारी तो हम ये, हाँ ये इनसे ये पूछो यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की हालत है, यहाँ सरकारी अस्पताल क्या डॉक्टर है, इसके खाज का डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल पूछ लीजिए, बता दो जी अभी आपसे। हॉस्पिटलों में देखो डॉक्टर है, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जरूर है, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई देख थोड़े कम है डॉक्टर, आ जाएंगे धीरे धीरे, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, किसी लिए साल हो गए अभी तक आ जाने चाहिए थे, पर चलिए कोई नहीं, नहीं आ जाएंगे जरूर आएंगे जी, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, दो और खुल गए हैं, काम होगा जरूर होगा। ठीक, हाँ ठीक, आइए इधर भी बात करते हैं।
ये कुछ नौजवान थे यहाँ से गुजर रहे थे, आप रुके हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ नाम है। हाँ जी, सौरभ। सौरभ, और आपका? हैप्पी नाम है। हैप्पी, आप? आयुष। आयुष, सौरभ, हैप्पी और आयुष, आप क्या करते हैं सौरभ? बेरोजगार है जी। भी बेरोजगार है? क्यों, 2 करोड़ नौकरियां साल की मिलनी थी, कहाँ मिली सर? मुझे नहीं पता, मैं तो वादा किया गया था, और अभी 6 महीने पहले तो जी हरियाणा में तो टॉप पे बेरोजगारी देखो। नहीं वो तो है। अच्छा ये बताओ, आप जो कह रहे हो सर, पढ़ाई क्या करिएगा आपने? बीए करी जी अभी। बीए करी है। अच्छा अभी पिछले 5 सालों में या 10 सालों में ये मुझे बताओ कि कितना सरकारी वैकेंसीज कितनी खुली हैं पहले के मुकाबले? जी मेरे हिसाब से जी एक की भर्ती क्लियर हुई है यहाँ पे, वो भी ग्रुप डी की। ग्रुप डी की? ग्रुप डी की तो खुली, अभी तक लगाई नहीं सभी, ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी, बस भर्तियाँ हुई हैं। हाँ जी। और उससे पहले मेरे ख्याल से 2018 की थी कोई एसआई की, उसके भी लगभग ऐसा कह रहे हैं भी लगभग गुजराती फंसा दी उसमें भी। अच्छा बाहर से आप कह रहे हो लोग? हाँ बहुत जी, बाहर से बहुत से लोग नौकरियां लगी। ये एक्चुअली शिकायत हमने कई जगह सुनी है कि बाहर से भी सरकारी नौकरियों में बहुत लोगों को मिल रही है। आपका हैप्पी, हैप्पी क्या करते हो? अभी फार्मेसी पास आउट हुआ मैं। फार्मेसी पास आउट हुए तो हैप्पी, ये बताओ फिर क्या अभी आपके लिए कैसा अभी चल रहा है, आपके लिए सरकार का क्या कैसा है? अभी कुछ भी नहीं चल रहा, बेरोजगार हैं, नौकरियां निकलती हैं कैंसिल हो जाती हैं, पेपर लीक होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। हरियाणा में भी दिक्कत है पेपर लीक की? हरियाणा में ही दिक्कत है सबसे ज़्यादा, भर्ती कैंसिल हुई है, पेपर लीक हुए हैं। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष क्या करते हो? बीटेक पास आउट हो। बीटेक पास आउट हो, आपको भी जॉब नहीं मिली अभी? अभी हाँ, जॉब मैंने एक तो प्राइवेट नहीं ली अभी, लेकिन मैं गवर्नमेंट चाहता हूँ। गवर्नमेंट चाहते हो तो प्राइवेट में, लेकिन अभी कर रहे हो फिलहाल? लेकिन स्टेट की तो इतनी इनकंसिस्टेंसी है जो उसमें मैं सेंटर की देखूँगा, हरियाणा स्टेट में 0 जॉब्स हैं। अच्छा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ढूंढोगे? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आप लोग नौजवान हैं, नौजवानों में खास करके शहरी नौजवानों में तो एक अलग ही जज्बा बना था किसी ज़माने में बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, 5-10 साल पहले तक। तो आप लोग भी क्या उनके समर्थक रहे हैं कभी? नहीं जी अभी तक तो, पहले एक बार जैसे 2014 में आए थे ना, तभी लहरी ऐसे लग रहा था यहाँ कुछ अलग करेंगे मोदी। हाँ। लेकिन कुछ अलग नहीं, बल्कि पहले वालों से भी ज़्यादा मचा रही नहीं होने। तो इधर ये कॉमरेड ओम प्रकाश जो खड़े हैं, आप उन्हीं की तरफ क्या वोट देने की सोच रहे हैं? कांग्रेस के तो कैंडिडेट है नहीं इधर। हाँ उनके, उन्हीं का देने वोट, उन्हीं को देने। हाँ जी साहब, आपका क्या नाम हुआ? अपना नाम प्रमोद सिंह है जी। प्रमोद सिंह जी क्या करते हैं आप? मैं तो एक चाय की दुकान करता हूँ जी। चाय की दुकान करते हैं, बताइए, चाय वाले हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, आप चाय वालों के लिए कैसे रहे हैं 10 साल? देखो जी, 3 योजना से बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन अब की बार नहीं हूँ। अच्छा अब की बार नो मोदी सरकार? हाँ नो मोदी सरकार। अच्छा हाँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ, 3 योजना से आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है? देखो वो जमाना गया 2G का, 4G का जमाना गया, 5G चले आया, इन बच्चों की क्या है, जो बच्चों की मेहनत है वो चले आया आजकल 5G का, 5G है, इन बच्चों ने जो ऐलान कर दिया वही है बस। भाई युवा भविष्य है, अपना भविष्य, अपन तो भाई बुजुर्ग आदमी में गिनती होगी है, जो इन बच्चों ने कह दिया वही है। तो आप बच्चों की राय के साथ जा रहे हैं? हाँ बच्चों की राय के साथ, मैं नहीं जा रहा, सारी जनता जा रही है। अच्छा तो बदलाव जैसे आप बदले हैं बीजेपी से, क्या और लोग भी बदले हैं? हाँ बदलाव जरूरी है। बीजेपी गरीबों की मदद के लिए पहले गरीब बनाती है फिर मदद करती है। हाँ। तो पहले वो गरीब बना रही है और तो इसलिए वो हमें पसंद नहीं है। जो युवा चल रहे हैं ना, जो आजकल के बच्चे चल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ आए हम। राम राम जी, क्या नाम हुआ आपका? रामपाल जी। क्या करते हैं? मेरा खेती का काम है। खेती का काम करते हैं जी। 10 साल कैसे रहे हैं आप किसानों के यहाँ? 10 साल भाई साहब किसान ना के तो बिरने माटी सी में गुजरे। एक तो ये ऑनलाइन का साड़ा, ये एक सिर में दर्द है। इतनी जागरूक जनता नहीं है, अड़े मतलब CSC सेंटर पे अपने मुर्बे नंबर में पता कौन। अच्छा ये बताइए, बुजुर्ग किसानों ने तो ऑनलाइन के लेकर बहुत नाराजगी दिखाई है, लेकिन आप भी, आपको भी दिक्कत हो रही है? ये समस्या है जी। एक मतलब समस्या नो मानो भी 20 मण सर से उसकी किले की होगी, उसमें 21 मण होगी, तो एक मण की था अंडा, वो 20 मण की तो एक वो मतलब क्वांटिटी दर्दी भी, इतनी क्वांटिटी तो ले लेंगे उस ताकत को लेंदे। ये समस्याएं हैं, इतनी जागरूक भी नहीं है किसान कम्युनिटी को भाई मतलब ये ऑनलाइन CSC सेंटर पर करवाएं जाऊँ, ऐसा ये अलग है दिक्कत, ये बार बार की दिक्कत है। ठीक है, मंडिया में क्या कर दी, मंडिया में और सुविधा बना दो वो ठीक।
आप किसान हैं, 13 महीने का एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन रहा है, उसका कितना गुस्सा अभी भी है लोग किसान? देखो लंबा टाइम तक किसी वर्ग ने बैठाना, उनकी बातें नहीं समझना। एक समझदार जो प्रधानमंत्री था, बहुत सुल जोड़ा मान्या था, हमने इसमें मत दिया था अच्छी तरह, बड़े खुश होकर दिया था, लेकिन उन अपेक्षा जो एक अच्छी इच्छाएं थी नहीं, उन इच्छाएं के विरुद्ध बात हुई है। उसने सोचना चाहिए था कि भी इतने टाइम तक इतना लंबा समाज बैठा है, कभी तुम दी खालिस्तानी कहते, कभी किमें कहते, सारे अपने तो वर्ग एक एक जाके हरियाणा पंजाब से लोगों ने पूछो ये खालिस्तानी है, इस तरह की बात गलत है। चलिए आप अपना निजी मत बताइए, लेकिन जो लोगों से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं रोज, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, भिवानी में इस बार फिर से चौथी टर्म फिर से आपके विधायक आएंगे या कुछ बदलाव हो सकता है? ये तो बदलाव का विचार में जी भाई साहब, आपको लग रहा है? मतलब बिल्कुल बदला है मतलब सिस्टम, ऐसा ही कुछ लग रहा है। कुछ वैसे कैंडिडेट ये कुछ कर तो नहीं रहे, कोई काम तो नहीं, कोई शहर का काम तो नहीं कर पा रहे, वो एक बनदे द्वारे हैं तो काम तो शहर में इनका दिखता नहीं है। जैसे मैंने आप दर्शकों को बताया था, भिवानी सीट जो है ये लगभग आधी जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है और आधी शहरी है। ग्रामीणों से भी हमारी बहुत लंबी बात हुई थी, अभी शहरी लोगों से भी बात हुई है। सच बात यह है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, उम्मीदवार आते जाते रहेंगे, लेकिन मुद्दे असली मुद्दों पर ही वोटिंग हो, असली मुद्दे ही राजनीति का हिस्सा रहें, चाहे वो रोज़गार के सवाल हो, चाहे वो किसानों के सवाल हो, चाहे वो पानी का सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है जैसे आपने सुना, चाहे वो मज़दूरों के सवाल हो, उम्मीद यही करते हैं, या स्वास्थ्य शिक्षा के सवाल हो, उम्मीद हम यही करते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हों और आगे भी होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, CCA के साथ जुड़े रहें।